थैंक यू। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू। आप इतने अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन रोमियो के ऊपर? ऑपरेशन रोमियो शशांत शाह ने डायरेक्ट किया है और एक मलयालम फिल्म का रीमेक है, इश्क नॉट अ लव स्टोरी। वेदिका, सिद्धांत और शरद केलकर, भूमिका चावला और किशोर कदम, इन ये एक्टर्स हैं। 22 अप्रैल को निकल रही है थिएटर्स में। उम्मीद है आप लोग जाकर देखेंगे। बस यही है। काफी सस्पेंस है इसमें कि आखिरकार उस कार में क्या हुआ था, काफी लोग जानना। ये आप 22 अप्रैल को आपको पता चलेगा, आपको जाकर देखना पड़ेगा ये पता करने के लिए। शरद केलकर का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो जो करते हैं, जो कांड करते रहते हैं उस पूरे फिल्म में, उसका वो नाम रखे हुए हैं ऑपरेशन रोमियो, तो यही शीर्षक बनता है फिल्म का भी। ओके, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि पूरे विश्व भर की। तो और हमारे मेकर्स को बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि इधर ही नहीं बाहर भी क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से अब जो कहानियाँ हैं वो मेरे ख्याल से बेहतर कहानियाँ बनेंगी अब। ओके, तो मतलब कि जो ऑपरेशन रोमियो है उसमें जैसे शरद हो गए, भूमिका चावला हो गए, तो आपने मतलब क्या उनको कास्ट किया? ये शशांत ने कास्ट किया। मैंने सिर्फ उन्हें सजेस्ट किया था कि क्योंकि मैंने काम किया हुआ है दोनों के साथ। शरद के साथ मैंने स्पेशल ऑप्स में काम किया था, भूमिका के साथ धोनी में काम किया था, किशोर कदम के साथ स्पेशल 26 में काम किया था। तीनों एक्टर्स को मैं जानता था पहले से। तो जब इस फिल्म की कास्टिंग की बात चली तो मैंने तीनों नाम सजेस्ट किए हैं शशांत को, और फिर ये उनका डिसीजन था कि हाँ मतलब वो तीनों बैठते हैं इसमें। ओके, जैसे कि जो ऑपरेशन रोमियो है, एक पुलिस वाला है जो कि लड़की जो प्राइवेसी में टाइम स्पेंड करते जाके उनको डिस्टर्ब करते, क्या रियल लाइफ कुछ कितना आपने देखा है कभी? कुछ सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, चाहे वो मतलब इतना सीरियस नहीं हो या जो भी, पर हर एक के साथ हुआ है। और यही एक बड़ी वजह थी इस फिल्म बनाने के लिए कि मतलब ये कहानी जो है वो बहुत रिलेटेबल है सबके साथ। आदमी उस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, वो बड़ा अपने आप को बेबस और कमज़ोर पाता है जब अचानक ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, सोचना बंद हो जाता है इंसान का। तो ये एक बड़ा रीज़न था इस फिल्म को बनाने के लिए कि ऑडियंसेस जो हैं इस फिल्म के साथ रिएक्ट करें। थैंक यू। चलिए, जैसे कि ऑपरेशन का ट्रेलर आ चुका है, काफी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इट फील्स ग्रेट कि यू नो एक ऐसी फिल्म जो एक बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को ट्रीट करती है और थोड़ी अलग सी फिल्म है। हम में से कोई, बहुत भूमिका जी को छोड़ के कोई बड़ा नाम नहीं है फिल्म के अंदर, और फिर ऐसा एप्रिसिएशन मिलता है फिल्म को, तो इट फील्स ग्रेट। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सबको फ़ोन आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, सिद्धांत को भी आ रहे हैं, वेदिका को भी आ रहे हैं। सो इट बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो बहुत, ना सिर्फ एज एन एक्टर अच्छा लगता है बट एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ व्यूअर्स बट इंडस्ट्री के लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्रेलर को, एंड दैट फील्स ग्रेट। मैं प्ले कर रहा हूँ मंगेश यादव। बहुत सिनिकल कैरेक्टर है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत डार्क है और बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए करने के लिए, बिकॉज वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। सो जो आपके जैसा नहीं है वो करने में बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज कोई रेफरेंस कोई अंदर से आता नहीं है, कुछ सब लाना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था करने के लिए। और वो इन दोनों की ज़िंदगी में क्या तबाही मचाता है ये फिल्म है, और एक जो मुद्दा है वो इससे कहीं बड़ा मुद्दा है, जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट वन ऑफ द टफेस्ट रोल्स व्हिच आई प्लेड। जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ जैसा, और कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है क्योंकि मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि जो मैं कर रहा हूँ इस किरदार को समझ के, क्या वो सही है, वो किस हद तक सही है और मैं परफॉर्मेंस में किस हद तक जा सकता हूँ, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम था। और उसमें कहीं ना कहीं शशांत ने बहुत हेल्प की। बीइंग अ डायरेक्टर ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड फ्रॉम मी, तो थोड़ा आसान हुआ बट बहुत मुश्किल था। और इसका पोस्ट शूट ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था मुझे। पहली फिल्म ऐसी है जहाँ मुझे वो ट्रॉमा फील हुआ। मैं परेशान था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। शूटिंग के बाद भी जब घर आता तब भी मैं परेशान रहता था कि यार क्या करके आया हूँ मैं, मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत पहली फिल्म है जहाँ मुझे बहुत अंदर से होता है ना एक परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। हम सब फ़ैन रहे हैं भूमिका जी के, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत गाने गाए हमने उनके बचपन, मतलब कॉलेज डेज में, नॉट बचपन नहीं कहूँगा, कॉलेज में। सो बीइंग अ फ़ैन टू बी अ को स्टार एक बहुत अच्छा फील होता है एंड बहुत एक्सपीरियंस उनको काम करने का। और जो एक्सपीरियंस बंदा है उसके साथ अगर आप सीन्स करें तो बहुत सहज हो जाता है, वो बहुत ईजी हो जाता है काम करना। सो इट वॉज़ वंडरफुल वर्किंग विद हर और मज़ा आया। बहुत अच्छा था यार, बिकॉज ऑब्वियसली यार हमने उनको इतना देखा है और एप्ट है बिल्कुल। जब मुझे उनका लुक टेस्ट दिखाया गया तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल मराठी लग रही हैं, मतलब कहीं से पंजाबी लगी नहीं रही हैं। सो और मैं उनको जानता भी हूँ पहले से, उनके जो हस्बैंड है वो मेरे सीनियर हैं, तो वो नहीं जानती थी कि मतलब इतने क्लोज है, बट मैं उनके हस्बैंड को जानता हूँ। तो ये तो लग रही हैं कैरेक्टर में बहुत यार। तो मुझे जब दिखाया फ़ोटो मैंने कहा अरे परफेक्ट है बॉस। सो फॉर मी द कास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आधा काम हो जाता है। और जब भूमिका जी का नाम सुना तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार करेक्ट चॉइस है बिल्कुल यार। सारे एक्टर के लिए अच्छा समय है, जितना काम करना है करो, बहुत सारा काम आया मार्केट में, अच्छे एक्टर्स के लिए बहुत स्कोप है। तो ग्रैब इट, मैं बोलूँगा जितना काम कर सकें, जितना इनकैश कर सकें, कहा होता है ना मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, तो जितना काम कर सकें करें। और ना वहाँ कहानी का बंधन है ना वहाँ मेकर्स का बंधन है, इतने सारे मेकर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अलग अलग किरदार हैं, तो चॉइस है आपके पास अच्छे एक्टर्स को, वो चूज़ कर सकते हैं अब रोल। तो इट्स अ फैंटास्टिक टाइम फॉर ऑल द एक्टर्स, इनफैक्ट ऑल द टेक्नीशियन इंडस्ट्री बहुत अच्छा टाइम है। मैंने क्या आपने भी किया होगा फेस कभी ऐसा इंसिडेंट्स, बहुत लोग सबके साथ होता है ऐसे इंसिडेंट्स। ये नहीं कि सिर्फ कॉप्स हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मनचले होते हैं या राउडी लोग होते हैं या जो जिनको मज़ा आता है सब करने में। आपने देखा हो कई जगह ऐसे, चलो आज कहीं हाथ साफ करके आते हैं, देयर कैच किसी जोड़े को पकड़ लेंगे, लड़की की कुटाई कर देंगे, ऐसे बहुत सारे नोटोरियस ग्रुप्स भी होते हैं जो उसे मॉरल सिंह के नाम पर हरासमेंट करते हैं। तो सबके साथ हुआ ऐसा, तो लोगों जो लोग फिल्म देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि यार ऐसा होता है। मुझे इतना पता है कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे ये पता है कि जो हमने एफर्ट डाले हैं वो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। मुझे ये पता है कि जो ऑडियंस है उनका टेस्ट और यू नो लाइक्स बदल चुके हैं, तो एक अच्छी फिल्म जब लगती है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं आजकल। आगे आप किस तरह के प्रोजेक्ट और करना पसंद करेंगे? पसंद क्या, जो मिल जाए वो कर लेंगे, मतलब पसंद क्या है, हम कहाँ बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मिल जाएंगे। थैंक यू। हाँ देखिए हम लोग, मैं नीरज को काफ़ी टाइम से जानता हूँ और कई बार ऐसे योग बने कि काम करेंगे फिर नहीं बने। एक बार जब स्पेशल ऑप्स में काम किया मुझे ये समझ में आ गई कि जब भी वो किसी एक्टर को बुलाते हैं किसी किरदार के लिए तो वो किरदार उसी एक्टर के लिए बना होता है, वहाँ चॉइसेस नहीं होती हैं, ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो जब मुझे इस किरदार के लिए बुलाया गया तो मुझे पता था कि ये किरदार मेरे लिए ही है। मुझे मतलब जब वो किरदार उन्होंने लिखा होगा तो उनके दिमाग में, जहन में मैं आया हूँगा पहले, क्योंकि मेरा लोग कोई और नाम नहीं था वहाँ पर। सो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत क्लियर है अपने थाट्स में, जो लिखते हैं वही बनाते हैं और बहुत कम शब्दों में मतलब आपको एक्सप्लेन करने वाले आदमी है वो, तो और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। तो अगर आप उनको जानते हैं, समझते हैं, तो उनकी एक स्माइल से समझ सकते हैं कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं. थैंक यू. चैन हो कहाँ से बेटे? अबे तुम कहाँ वैसे कहाँ से मेरी रहते हो? पता है मेरी में ऑपरेशन रोमियो का ट्रेलर आ चुका है, काफी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आफ्टर धोनी आई हैव डन अ फिल्म here in Bombay, and working with Neeraj sir's production is a fantastic experience always. ये फिल्म इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, मॉडल पुलिसिंग के ऊपर. एंड जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कॉलेज किड्स होते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, एंड हाउ थिंग यू नो लोग उनको जज करते हैं या साथ में घूम रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो जजमेंट्स बहुत होती हैं. एंड थ्रू दिस फिल्म आई थिंक लोगों को एक काफ़ी चीज़ें समझ में भी आएंगी, हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन सिचुएशंस. जैसे कि आप इसमें ऑपरेशन रोमियो में हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, मराठी हाउसवाइफ का, तो आपको क्या कुछ तैयारी करना पड़ा इस रोल को प्ले करने के लिए? सो आई थिंक सबसे पहले तो लुक टेस्ट हुआ था जो नीरज सर के ऑफिस में हुआ था. Falguni has done a really nice job to get the perfect Maharashtrian look. 2-3 options, 4 options के changes करके हमको photo shoot किया. After that I think जो एक मराठी बोलने का accent होता है, which was not so easy because I don't speak Marathi. Director Shashanth was very helpful and Sharad speaks Marathi, तो उनके साथ भी मतलब if I needed help या ऐसा कुछ कभी मुझे लगा कि मैंने एक्सेंट सही नहीं यूज़ किया या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, दे वुड हेल्प मी ऑलवेज. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम. ऐसा मतलब कुछ खास रिएक्शन नहीं था, बट येस ही टेल्स मी दैट उन्होंने मेरी फिल्म्स बहुत टाइम से देखी हैं एंड he's liked my work, so it's wonderful to know that. And he himself is a very fine actor, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. और हमारे जो scenes थे बहुत intense scenes थे, साथ में मतलब really intense work we've done together. तो उसमें जब एक एक्टर बहुत सामने जो आपके खड़े कलाकार हैं, जैसे शरद सर के साथ मेरे scenes थे, वो खुद इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि आपकी परफॉर्मेंस खुद ही और अच्छी हो जाती है. सो एन एक्टर इज़ एज गुड एज द अदर एक्टर इन द सेम स्पेस. तो मुझे मैंने सर के साथ MS धोनी मूवी की है एंड आई थिंक कोई भी हो वो एक बार ही नीरज सर के साथ और फ्राइडे फिल्म वर्क्स के साथ काम करता है तो वो सेकेंड टाइम कभी मना नहीं कर सकता, बिकॉज उनके काम करने का तरीका या उनका जो सिस्टम है पूरा, या यू नो थरो पूरा होमवर्क होता है. इट्स फैंटास्टिक. क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन रोमियो से? देखिए, जब एक एक्टर काम करता है तो वो यही एक उम्मीद के साथ काम करता है कि उसकी फिल्म जो है लोगों तक पहुंचे, लोग उस फिल्म को पसंद करें और अप्रिसिएशन मिले. हर इंसान की यही एक वो है. सो आई एम होपिंग कि ये फिल्म चले एंड पीपल लाइक इट, पीपल वॉच इट एंड दे यू नो फील हैप्पी सीइंग दिस काइंड ऑफ अ फिल्म. जस्ट गो एंड वॉच माई फिल्म ऑन द 22nd. वॉच ऑपरेशन रोमियो ऑन 22nd of April एंड स्टे पीसफुल, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग. आई थिंक सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बिकॉज 2 साल कोविड में थिएटर्स बंद थे. सो आई थिंक ओपनिंग ऑफ थिएटर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड गुड, क्योंकि बाकी सबको बेनिफिट होता है इंडस्ट्री में. प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टर्स, सब डायरेक्टर्स हैं, सबका एक टेक्नीशियंस हैं, सबके सब काम पे वापस लौट सकते हैं. तो अच्छा है थिएटर्स वापस खुल रहे हैं एंड पीपल आर गोइंग टू वॉच मूवीज. आई एम हैप्पी. मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली वर्क समथिंग वेरी मीनिंगफुल, पावरफुल. मतलब जहाँ मुझे लगे कि मैं कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, आई विल डेफिनेटली साइन अप सच फिल्म्स. थैंक यू, thank you. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All I love to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby. Just say yes. अरे तुम्हें गाना पसंद है? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, ट्रेलर आ चुका है, काफी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. तो क्या कुछ कहना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन सबको अच्छा लग रहा है, एंड थैंक गॉड अच्छा लग रहा है. एंड क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत ऑनेस्ट फिल्म है और बहुत रियल स्पेस में है, एंड आई होप इट कैन जस्ट गिव द ऑडियंसेस मोर देन दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड आई बिलीव इट विल डू दैट. ओके, जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, तो आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी किया अपने कैरेक्टर में रोल को करने के लिए ऑपरेशन रोमियो के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारी तैयारी की है कैरेक्टर के लिए. आई थिंक सबका काम करने का ढंग अपना होता है ना. एक अगर आप इस फील्ड में एक एक्टर का, हर एक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है. सो आई थिंक इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा, जितने एक्टर्स हैं सबका अलग होगा. सो मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक मेरी इंटेंशन ये थी कि मतलब जितना मेरे अंदर है मैं इस कैरेक्टर को दे दूं, बिकॉज जब से मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर, बिकॉज वो वल्नरेबल है, इनोसेंट है, और हम सब ग्रोइंग अप वो उस फेज से गुजरे हुए हैं ना. सो आई नो व्हाट दैट फील्स लाइक. एंड देन जब थिंग्स गेट इंटेंस, आई थिंक वो आप जब फिल्म देख लेंगी तो उसके बाद मैं बात करूँगा तो इट मेक मोर सेंस. तो मुझे नेहा, मेरी कैरेक्टर का नाम, मुझे नेहा बनने के लिए ना वेदिका को बहुत दूर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वेदिका और नेहा में वेदिका और नेहा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और आई थिंक माई प्रेपरेशन वॉज ऑल अबाउट रियली अंडरस्टैंडिंग हु नेहा इज़ एंड बिकमिंग नेहा. और ईमानदारी से काम करो तो वो आसानी से हो जाता है. अब मैं ऐसा कह सकती हूँ, उस वक्त नहीं लगा था कि आसानी से हो रहा है. But yeah, as he said, everybody's preparation is different, and I think every role's preparation is also different. Thank you so much. तो जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, किस तरह का ये ऑपरेशन रोमियो है? क्योंकि जब हम रोमियो का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है रोमियो एंड जूलियट. तो कहीं ना कहीं आप जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको कहीं रोमियो एंड जूलियट का रिलेशन? बिल्कुल, ये है रोमियो और मैं जूलियट, ये लैला मैं मजनू, यही है प्यार हम दोनों के बीच में था. हमने बहुत रोमांस किया फिल्म में. बट आई थिंक जितने भी कपल्स हैं यार, आई मीन इट्स अबाउट इट्स दैट साइकी, इसलिए ऑपरेशन रोमियो. इट्स एंड हर कपल के साथ ये होता है इंसिडेंट. आप भी अगर किसी के साथ होंगी तो आपके साथ भी शायद हुआ ही होगा. तो सबके साथ होता है. बस ये आप ऐसे तो कर रही हैं, पर तो हुआ तो होगा. मैं लिख के देता हूँ, आपकी आँख में दिख रहा है कि. तो आई थिंक सबके साथ होता है ये, बस कोई बात नहीं करता इस बारे में, बिकॉज सेंसिटिव चीज़ है. एंड इट्स जो कर रहा है उसके लिए क्राइम है, और जिसके लिए हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है, उसके लिए वीकनेस है. सो आई थिंक ज़्यादा बात नहीं करते इस वजह से लोग. सो थैंकफुली फिल्म बनी है और ये बोल रही है यही बात. मेरे साथ तो फिल्म में इतना हुआ है, मैं मेरे लिए तो वही इतना ज़्यादा और रियल है कि मैं क्या बताऊँ उसके बयान. नहीं, बट हुआ है. इनफैक्ट हम दोनों के साथ ही हुआ है. सिद्धांत मुझे एक सुबह शूट के बाद घर छोड़ रहा था. सुबह के आई थिंक 8-9 बजे हुए थे, एंड हम रात भर शूट कर रहे थे, और संडे था और हमें ब्रेक मिला था एक हफ्ते के बाद. तो बहुत कुछ था बात करने को, डीब्रीफ करना था हम दोनों को. एंड सिद्धांत मुझे घर छोड़ रहा था. मेरे बिल्डिंग के एकदम बाहर इसने गाड़ी पार्क कर दी थी, और बस आई थिंक 10-15 मिनट तक हम बात ही कर रहे थे, और पीछे से कोई आकर थपथपाने लगा कि क्या चल रहा है गाड़ी में. दोनों हम हंस हंसे पागल हो गए थे कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं हमारी फिल्म के लिए. तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है. नहीं, हमने बताया नहीं क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि हम फिल्म कर रहे थे। और हाँ, हम अंदर से थैंक यू बोल रहे थे उसको यार, क्योंकि हम उस स्पेस में थे ना, और वो ऐसा कुछ होता तो हेल्प करता तुम्हें। लाइक व्हाट ये हो रहा है सच? शायद वो बिलीव नहीं करते, लेकिन जैसे नेहा और आदि के साथ हुआ था इंसिडेंट और जैसे वेदिका और सिद्धांत के साथ हुआ था, वो दोनों बहुत ही अलग स्टोरी थे, बहुत ही अलग। ओके, जैसे कि इसमें शरद सर की भूमिका मैम की है, लेकिन जो आप लोग को पता चला था कि ये दोनों मेन दोनों भी बड़े स्टार भी हैं, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था, आप लोगों का कैसा? आई थिंक मैं बहुत खुश था बिकॉज ये लोग भूमिका मैम, शरद एंड किशोर सर, देयर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ना, एंड एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ आप काम करते हो तो एक्टिंग क्या है यार, व्हेन यू परफॉर्मिंग इट्स अ गिव एंड टेक ना, और आपको पता है यू आर श्योर ऑफ इट दैट जो सामने से आ रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है और बहुत ऑनेस्ट आ रहा है। सो दैट ओनली हेल्प्स द सीन एंड योर परफॉर्मेंस। सो मेरा टेक ये था एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम बिकॉज मैं अपनी स्पेस में रहता था, सो एंड दे ऑल रियली रिस्पेक्टेड दैट स्पेस एंड आई कुड बी इन दैट स्पेस। स्टार है, हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो थोड़ा नर्वसनेस कुछ ऐसा हुआ रहेगा आप? यू नो, मुझे लगा था कि होगा क्योंकि पहली बार तो मेरी पहली फिल्म है, तो मैं फिल्म बनाने के बारे में भी सीख रही हूँ कि यू नो सेट पे बर्ताव कैसे करते, कैमरा कैसे चलता है, कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा था कि हाँ, इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो इनसिक्योरिटी, इंटिमिडेशन जो भी है शायद वो महसूस होगी, बट आई थिंक सेट पर जाके ये एहसास होता है कि फिल्म बनाना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है और हम सबका काम अपना पूरा देना है फिल्म को, राइट? और वो सारे एनर्जीज़ जो एक्सचेंज हुए थे हम सबके बीच में इतनी प्योर थी, इतनी ईमानदारी से हम सब काम कर रहे थे कि इट वाज अ ब्रीज टू वर्क विद देम एंड इट वाज आई लर्नड अ लॉट। उन्होंने हमें बहुत इनकरेज की थी, बहुत मोटिवेट किया था, मज़ा भी आ गया था बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, तो शरद सर उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, आपके साथ आप श्योर हो इस बात का? श्योर, लॉक कर दिया जाए? ओके, फिल्म देखना। तो मतलब आपके साथ जैसे बनप्रीत जी से, तो रियल लाइफ में कितना कुछ, क्या जब वो सीन करते थे तो नर्वस होते थे या आप उनके साथ सीन करने में कंफर्टेबल रहती थी? शरद बहुत बार पता है क्या हुआ था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही डार्क फिल्म है और शॉट्स के बीच ना शरद मुझे, क्योंकि शरद वो इंसान है नहीं, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट किस्म के इंसान है और वो नारियल है शरद। हाँ, नारियल है। और बाहर से ना उनकी भारी आवाज़, जिनका उनका बर्ताव था वो फिल्म में परफॉर्म करने, तो बीच शॉट्स के बीच ना मुझ मेरे हाथ ऐसे पकड़ के वो कहता था आई यू ओके, मैं हूँ नहीं ऐसा एंड ऑल, लाइक यू नो आई नो हम फिल्म कर रहे हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन रोमियो से आप दोनों? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली ये है कि जब आप बहुत दिल से काम करते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो जिनके लिए फिल्म बनती है, लोगों के लिए, उनके दिल तक पहुँचे वो बात, एंड और इतनी श्योरिटी भी होती है कि जब आप इतने दिल से काम करते हो तो दिल तक पहुँचेगी भी। सो एक्सपेक्टेशन भी है पर उस पर भरोसा भी है, उस एक्सपेक्टेशन पर। उम्मीद तो है, होप्स है, डिज़ायर्स है। बहुत ही ज़रूरी फिल्म हमने बनाई है, उस इस मैसेज, जो कोर मैसेज है इस फिल्म का, वो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर पीपल, फॉर वुमेन, फॉर पीपल जनरली, एंड मेरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक बदलाव का हिस्सा बनना है, तो अगर इस फिल्म के दौरान लोगों के बीच एक डिबेट चालू हो जाए तो वो एक बदलाव का फर्स्ट स्टेप होगा और मुझे उसका एक पार्ट बनना है ज़रूर। ओके, ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? 22 अप्रैल हमारी फिल्म आ रही है ऑपरेशन रोमियो, प्लीज़ जाके देखिए। हमने बहुत ही प्यार और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी, कॉन्फिडेंट। थैंक यू।